टैली हेल्प वीडियोस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप टैली प्राइम में GSTIN UIN का उपयोग करके कई लेजर बनाने की प्रक्रिया सीखेंगे। आप बहुत सी पार्टियों के साथ व्यापार कर रहे होंगे। सभी पार्टियों के लिए लेजर बनाने में बहुत समय लगता है। टैली प्राइम रिलीज 5.0 में पेश किए गए कनेक्टेड GST अनुभव के साथ आप एक बार में कई लेजर बना सकते हैं। आपको बस सभी पार्टियों के GSTIN UIN की आवश्यकता है। आइए देखिए कैसे करें। Alt G दबाएं। चार्ट ऑफ अकाउंट्स टाइप या चयन करें और मल्टी मास्टर्स के लिए Alt H दबाएं। क्रिएट पार्टी यूजिंग GSTIN UIN का चयन करें। वैकल्पिक रूप से Alt G दबाएं। बल्क या मल्टी टाइप करें और बल्क लेजर क्रिएशन यूजिंग GSTIN UIN रिपोर्ट खोलें। आप या तो सभी GSTIN UIN को मैनुअल रूप से दर्ज कर सकते हैं या GSTIN UIN वाली एक्सेल फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं। आइए एक्सेल फाइल से GSTIN UIN को इंपोर्ट करें। इंपोर्ट GSTIN UIN फ्रॉम एक्सेल के लिए Alt F दबाएं। अपने कंप्यूटर में फाइल के स्थान के आधार पर फाइल पथ को कॉपी और पेस्ट करें। फाइल टू इंपोर्ट का चयन करें। यदि फाइल में एकाधिक वर्कशीट है तो GSTIN UIN वाले प्रासंगिक वर्कशीट नाम का चयन करें। आप केवल GSTIN UIN वाली एक्सेल फाइल इंपोर्ट कर सकते हैं, हालांकि वर्कशीट में अधिक कॉलम हो सकते हैं। GSTIN UIN वाले कॉलम का चयन करें। एक बार जब आपको सभी GSTIN UIN मिल जाए तो कंट्रोल A दबाएं। लेजर विवरण प्रदर्शित होता है। इसमें नेम, एड्रेस, GSTIN UIN स्टेटस, रजिस्ट्रेशन टाइप, पैन और अन्य सभी जानकारी होती है। अब आइए देखें कि अधिक जानकारी कैसे देखें। कंपेयर GSTIN UIN इन्फो को हाँ के रूप में सेट करें। कंपेयर पार्टी डिटेल स्क्रीन में यदि आवश्यक हो तो आप पता बदल सकते हैं या अधिक जानकारी जोड़ सकते हैं। पार्टियों का फाइलिंग इतिहास देखने के लिए Alt S दबाएं। आपको ए इनवॉइस एप्लीकेबिलिटी, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और डेट ऑफ कैंसिलेशन पता चल जाती है यदि लागू हो तो। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको पिछले 6 महीनों की GSTR1 और GSTR3 भी दाखिल करने की तारीख, मोड और स्थिति का पता चलता है। ये रिपोर्ट आपको GST रजिस्ट्रेशन की स्थिति बदलने में भी सक्षम बनाती है। इसलिए यदि पार्टियों का GST रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया है तो आप GST रजिस्ट्रेशन टाइप को अनरजिस्टर्ड कंज्यूमर के रूप में सेट कर सकते हैं। डिफॉल्ट रूप से सभी लेजर के लिए ग्रुप को सुंदरी डेटर्स के रूप में चुना जाता है। हालांकि आप ऑल आइटम्स के लिए ग्रुप बदल सकते हैं। यदि आप कुछ लेजर्स के ग्रुप को बदलना चाहते हैं तो आप व्यक्तिगत रूप से बदल सकते हैं। इसके अलावा आप किसी पार्टी का कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी जोड़ सकते हैं। कंट्रोल आई दबाएं और कॉन्टैक्ट डिटेल्स चुनें। आवश्यक विवरण जोड़ें और सेव करने के लिए कंट्रोल ए दबाएं।
संबंधित लेजर्स में जानकारी को सुरक्षित करने के लिए कंट्रोल ए दबाएं। इस बात पर विचार करें कि एक या अधिक प्राप्त किए गए GSTIN कंपनी के मौजूदा लेजर्स की नकल है। ऐसी स्थिति में टैली प्राइम सेव करते समय ऐसे GST के विरुद्ध नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट त्रुटि का संदेश देता है। हालांकि आप लेजर का निर्माण जारी रख सकते हैं, बस इसमें अलग वर्तनी देकर या उपसर्ग या प्रत्यय आदि जोड़कर इसका नाम संपादित कर सकते हैं। यदि ये वास्तव में डुप्लीकेट लेजर है जिसकी आवश्यकता नहीं है, तो आप ऐसे प्राप्त विवरण को हटा सकते हैं। प्राप्त विवरण को हटाने के लिए संबंधित पंक्ति पर कसे रखकर कंट्रोल डी दबाएं। इसके बाद रिपोर्ट को सेव करने के लिए कंट्रोल ए दबाएं। यदि कुछ और डुप्लीकेट है तो कसे ऐसे नामों पर चला जाता है, ऐसी डुप्लीकेट प्रविष्टियों को हटा देता है और अद्वितीय लेजर बनाने के लिए रिपोर्ट को सहेज लेता है। जैसा कि आपने देखा कि पार्टी के GSTIN UIN का उपयोग करके कई लेजर बनाने की सुविधा से लेजर निर्माण पहले से कहीं अधिक आसान हो गया है और समय की काफी बचत होती है। धन्यवाद। टैली प्राइम में किसी भी स्क्रीन पर कार्य पूरा करने का तरीका जानने के लिए कंट्रोल F1 दबाएं। आप सहायता के लिए व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। नवीनतम वीडियो के लिए टैली सॉल्यूशंस चैनल को सब्सक्राइब करें।